पता नहीं किस तरह से मिस्त्री ने इनको सेट किया हुआ है। हर घर के ऊपर ऐसे पत्थर आपको दिखेंगे, जबकि अब काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत छोटे हैं। हर घर के ऊपर ऐसे ही है। अबे यार जगह बाइक बंद। तो हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आती हुई, क्योंकि जो इसका मीटर है अभी इस पर लाइट वगैरह आ रही है तो ये अचानक अपने आप खुद से बंद हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल लव राइडर नंदू में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मैं थकुलथारी में आया हुआ हूँ, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है माता रानी के आशीर्वाद लेने के बाद। और माता रानी जो है यहाँ से अब दूसरे गाँव में जो है प्रस्थान कर चुकी है। तो फिलहाल हम हैं थकुलथारी के जो प्राथमिक विद्यालय में। आइए आपको दिखाते हैं थकुलथारी, आशीष भाई का जो गांव है। दोस्तों, ये है थकुलथारी, देख सकते हैं कितना बड़ा ये गांव है। छोड़ दिया अब साथ जो तोड़ा ले। ये थकुलथारी का उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो अभी यहाँ पे नाश्ते की चल रही है तैयारी और मैं हूँ आशीष भाई के घर के छत पे। तो इनका पुराना घर हम आपको दिखाते हैं, ये तो फिलहाल इनका नया घर है, उसके छत पे हम। ये है आशीष भाई का पुराना घर और ये वाला भी है, उसके अंदर हम आपको जाके दिखाएंगे अभी। अगर ये देखिए, अब काफ़ी छोटे छोटे साइज के पत्थर हैं, पता नहीं किस तरह से मिस्त्री ने इनको सेट किया हुआ है। हर घर के ऊपर ऐसे पत्थर आपको दिखेंगे, जबकि अब काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत छोटे हैं। हर घर के ऊपर ऐसे ही है, देखिए। और यह पूरा थकुलथारी, ये बड़ा थकुलथारी है, इसके बगल में है छोटा थकुलथारी। छोटा थकुलथारी भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए आशीष भाई का ये एक और मकान है, पुराने जमाने का है ये भी, ये ढाबरी। और यहाँ काफ़ी अच्छी जगह है, स्पेस है इसके अंदर। और हम भाजी का किट वेट, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर को, मतलब सरायकेला को। तो ये देखिए छोटी जो थकुलथारी है वो ये है। फिलहाल अभी मैं रशिया महादेव, क्योंकि हमने बताया था आपको कि हम रशिया महादेव के रास्ते घर जाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे, और अभी मैं रशिया महादेव में, यहाँ पे हम बाइक का जो है मटका ढिल रहे हैं, उस पर नट लगा रहे हैं। सामने ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है इसका नाम है नऊ। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुलार घाटी में, और ये वाली जगह आपने पहले भी देखी होगी, जब हमारा ब्लॉग आया था देवा मंदिर वाला, उसमें आपने ये जगह देखी होगी। हिमालय दिखण ढेलियो आज धुंध हुई फसल है। तो हमारा जो सफर है वो अब
एक खेत तक हो चुका है कंप्लीट, एक खेत हम पहुंच गए हैं और यहां से अभी और हमें 10 किलोमीटर जाना है सराय खेत के लिए। आप देख सकते हैं तो एक खेत की मार्केट। तो हमारी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आती हुई, क्योंकि जो इसका मीटर है अभी इस पर लाइट वगैरह आ रही है तो ये अचानक अपने आप खुद से बंद हो जा रही है, पूरा मीटर जो है इसका ऑफ हो जा रहा है। अभी हम पहुंचे हैं लखरकोट में, लखरकोट में भी ये अभी चौथी या पांचवी बारी बंद हो गई है। फाइनली गाइस सराय खेत में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। हम मतलब मैं ही बना रहा हूँ, आशीष भाई तो कुछ कर नहीं सकते। तो यह है चिंकी और आशीष भाई को हमने ये दे दी है। अब चिंकी जो है काफ़ी खुश है आशीष भाई के साथ, देखिए इस तरह दोस्त बने हुए आशीष भाई। उठ उठ। अरे इसका नाम क्या रखा आशीष भाई आपने? इंस्टाग्राम भाई। इंस्टाग्राम मतलब इंस्टा है, नाम भी बदल दिया आशीष भाई ने तो।